देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। पाकिस्तानी जांच एजेंसी आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर एक बीएसएफ का जवान लंबे समय से बीएसएफ की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजता रहा। हालांकि शक होने पर बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। गिरफ्तार किए गए बीएसएफ जवान का नाम अच्युतानंद मिश्रा है, जो 2006 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था। इसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे भी हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जवान 2016 में एक पाकिस्तानी फेसबुक अकाउंट से जुड़ा। फर्जी फेसबुक अकाउंट चलाने वाले ने खुद को डिफेंस रिपोर्टर बताया। धीरे धीरे बीएसएफ जवान और महिला के बीच काफी बातें होने लगी। बीएसएफ जवान ने अपने कमांड और गोला बारूद समेत ट्रूप की लोकेशन की फोटो और वीडियो प्लस 92 नंबर वाले व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजना शुरू कर दिया। दरअसल पूरे मामले की शिकायत चंडीगढ़ के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यूपी पुलिस से की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक सघन जांच अभियान चलाया, जिसके बाद कई तरह के ऐसे फर्जी फेसबुक अकाउंट का पता चला जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं और भारतीय जैसे लगते हैं। अब पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस आरोपी जवान से पूछताछ कर ये पता करने में जुट गए हैं कि उसने किन किन खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान तक भेजा है। अब हम उससे पूछताछ करेंगे, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने की कोशिश करेंगे न्यायालय से, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग थे, उनका क्या मोटिवेशन था, और उनके अकाउंट्स को भी हम चेक करेंगे कि क्या उसे कोई, और अनुमान लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि इससे सेना का कितना नुकसान हुआ है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश जारी है कि जवान के साथ और कौन कौन से लोग इस मामले में शामिल थे। यूपी पुलिस इस खुलासे को अपने लिए काफी अहम मानकर चल रही है और उम्मीद जता रही है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं अब इस खुलासे के बाद बीएसएफ हनी ट्रैप से बचने के लिए अपने जवानों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।